प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाए थे। सर आज कई चीजों पे बात करेंगे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में बार बार बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा दिन चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान तो नहीं, लेकिन इमरान खान की पार्टी के साथ काफी बातचीत जो है वो लग रहा है कि हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी। यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। फिर चाइना ने कई सिटीज के नए नाम रखे, जिसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। भारत जो है वो जी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन तो आपको मालूम है उनके होने वाले, तो किस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं? देखिए यार, सारे जो आरजू सारे दुनिया में कई नई नई चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने राजकोट में, गुजरात राजकोट के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या इंटरेक्शन उसको कर लें, उनसे क्वेश्चन किया गया कि सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने उसके जवाब दिया। बल्कि एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी जी के पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस के बारे में भी किया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो सीरिया के अंदर अटैक किया गया है ईरान की एम्बेसी पर, उसमें से क्या निकलेगा। दुनिया इस वक्त बिल्कुल जल रही है, अगर देखा जाए तो 32,000 के करीब लोग गाजा में मारे जा चुके हैं, यूक्रेन जो है वहां भी हालात खराब हैं, और जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका के अंदर सियासत की सिचुएशन है वो भी बड़ी अजीब सी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब रोजाना कोई ना कोई वो भी बयान देते हैं, और उसके बाद 3 सबक सिंदूर जो सबक प्रेसिडेंट थे वो डेमोक्रेट, जो बिल क्लिंटन और ओबामा और जो बाइडन, ये सारे तीनों मिलके इस वक्त इलेक्शन में कंपेन में आ चुके हैं। तो बात सबसे पहले तो यही करते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ी तफसील के साथ उसका जवाब दिया है। पिछले 3-4 दिनों से डॉक्टर जयशंकर जो है वो दुनिया सारी की खबरों में है। एक तो खासकर जो वो डिमार्च किया गया अमेरिकन कौंसल जनरल को जो, और उसके बाद आपको पता होगा कि जो भारत के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर हैं अरे, उन्होंने एक स्टेट ANI को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक नई बात की कि हमारे सिटीजन के ऊपर जो अटैक है वो रेड लाइन है। यहाँ पे उसी ग्रुप का जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं, उन्होंने यहाँ रेफरेंडम एक एक्सरसाइज फिर दोबारा की कैलिफोर्निया में, जिसका कोई सर पैर नहीं है और उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन फिर भी खबरों में आने के लिए वो करते हैं। लेकिन उसको जो लग रहा है, जो मुझे वॉशिंगटन DC में लग रहा है कि अमेरिकन ऑलमोस्ट ब्लैकमेल कर रहे हैं उस वजह से भारत को, उसके पन्नू साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पन्नू साहब एक इमिग्रेशन के वकील हैं, उनका बेस तो वही है, फिर वो उसी चीज को बार बार, जो पढ़े लिखे सिख हैं वो समझते हैं इस चीज को कि खालिस्तान एक फिक्शनल सी चीज है, उसको जब इनका दिल करता है वो उसको हवा देना शुरू कर देते हैं। वो एक कारोबार बन चुका है खालिस्तान का आइडिया, जो भारत से बाहर एक कारोबार बन चुका है, और उसको सही सी तरीके से डील नहीं कर किया जा रहा। जो एंटी इंडिया जो जिस चीज ने करना होता है वो उसको पकड़ के हवा देना शुरू कर देता है। तो उस पे वो भी सवाल किया गया, खासकर जो उस हवाले से भी, और जो ये छठे मेंबर की बात की तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की, मैंने सुना, मेरे लिए भी कई इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि जब 5 परमानेंट इसके मेंबर बने थे तो उस वक्त दुनिया का साइज, यूनाइटेड नेशन का साइज 50 था, आज उसका साइज 193 हो चुका है। तो उस पे, उसके लिए भारत को ज्यादा काम करना होगा, ये वाकई बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मैं एग्री करूंगा। फिर उन्होंने कोविड के बारे में कहा कि कोविड के अंदर, कोविड की वजह से इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, मुश्किल आ रही है, यूक्रेन की जंग है, गाजा की जंग है, और जो एक परसेप्शन है दुनिया में कि यूनाइटेड नेशन इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर लोग अब इतना एतमाद भी नहीं करते, तो वो ये सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। यूनाइटेड नेशंस को अपना
जो एक परसेप्शन है अपना, जो बाहर लोगों के जहन में, उसको भी तब्दील करना होगा। जो भारत के हवाले से जो मुश्किलात है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा कि भारत के सब, जो मेरे लिए भी एक तश्वीश का मसला, जो वजह ये है तश्वीश मेरे लिए भी, कि मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में उनकी उन्होंने ओथ टेक लेना है, लेकिन वो अपने ओथ से पहले ही चाइना जा चुके हैं। पिछले जो दो तीन हफ्तों से नई चीजें आ रही हैं जो चाइना के हवाले से, और वो कंसर्न होना चाहिए अमेरिका को और भारत को। भारत को रीजन में कंसर्न होना चाहिए, अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी का कंसर्न होना चाहिए। कि अमेरिका को जाहिर है इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल मजबूर लाचार सा नजर आ रहा है, बीमार नजर आ रहा है, जिस तरह जो बाइडन नजर आ रहे हैं वही अमेरिका की हालत। तो उसमें मालदीव के साथ चाइना की इंट्रैक्शन, फिर उसके बाद श्रीलंका, आईएमएफ ने कहा है कि जब तक आप चाइना के लोन रीस्केड्यूल नहीं करेंगे हम आपके साथ फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, तो उनके प्राइम मिनिस्टर चाइना गए। उसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना चले गए। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है, वो तो पैसा जहां से डॉलर नजर आ रहा है सी पैक के इधर उधर सारा वो चल रहा है। और बल्कि जो खत लिखा गया है जो बाइडन के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब को भी, वो भी इसी एक पजल का हिस्सा है कि जब वो देखते हैं कि चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, और वो जो चाहते थे, अमेरिकन चाहते थे कि भारत चाइना से के साथ हालत जंग में चला जाए लद्दाख पे, वो नहीं गया है। वो एक अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी मर्जी के, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फैसले करते हैं। तो वो जब भारत उनको, भारत के साथ जब भी वो अमेरिकन रिलेशनशिप के अंदर कोई मोड़ आता है तो वो फौरन पाकिस्तान के साथ अपना लेटर लिख देते हैं, आईएमएफ को ग्रीन सिग्नल, पहले ही अमेरिकन ने कहा इनकी मदद की जाए। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर जो है भारत के लिए अब सोचना होगा कि छठा मेंबर, तो आप, मैं समझता हूं कि भारत हैज गेन द इन्फ्लुएंस, लेकिन उस रीजन में चाइना को किस तरह काउंटर करेंगे। चाइना सबसे ज्यादा ये करता है कि क्योंकि ये सारे डेवलपिंग कंट्री है, इनके अंदर करप्शन बड़ी आम है, वो पैसे देते हैं, पैसे खुले लगाते हैं चाइना से, इसको आपको पता ही, करप्शन वो जहां जाते पैसा फेंकते। पाकिस्तान में भी देखे ना आपने, पीजे जितने बनाए हैं वो सारे चाइना ने, पापा जान, पापा आपको पता है पाकिस्तानी फ्रेंचाइज है, तो पापा जान उसका नाम चेंज करके तो पाकिस्तान जान रखना चाहिए पापा जान की बजाय, 150 पिज्जा तो आपका है उसमें। तो अब वो उसमें मलेशिया वाले भी चले गए हैं पापा जान लेने के लिए, फिर से मालदीव भी चला गया, नेपाल भी जा रहा है। अब उसको डॉक्टर जयशंकर साहब को कोई उसका प्लान बनाना होगा, बल्कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। बल्कि एक और जो सबसे बड़ी बात कल हुई है, आरजू बांग्लादेश के अंदर से चाइना आउट के नारे लगने शुरू हो चुके कि इंडियन प्रोडक्ट का बैन किया जाए, जिसका जो हसीना वाजिद है उन्होंने जवाब दिया है अपनी अपोजिशन को, बीएनपी जो उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालदा ज़िया, उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपके घरों में जितनी साड़ियां पड़ी हैं अपनी बीवियों की भारतीय साड़ियां, उनको पहले तो निकाल के बाहर आग लगाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। किसी और ने बल्कि ये कहा है कि इस वक्त भारत से इतनी चीजें इम्पोर्ट होती है बांग्लादेश के अंदर, अगर इस तरह की बात की गई तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें आरजू, मैं अभी भी इस चीज को दरगुजर नहीं करना चाहिए डॉक्टर जयशंकर साहब को कि बांग्लादेश के अंदर कोई वाच करें कि चाइना किन किन लोगों को पैसे दे रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इज अ मैटर ऑफ लीडरशिप, रीजनल लीडरशिप। और आप भारत का मुकाबला करप्शन के साथ, इन करप्ट ममालिक को साथ लेके आगे चलना इतना आसान नहीं है। तो एक तो ये मसाइल है जो भारत के, खासकर जब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के हवाले से, छठा मेंबर बनने के हवाले से, उस रीजन में ये मसाइल आ रहे हैं। मेरे लिए खुद ये परेशानी का मसला सोच रहा था कि मलेशिया जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले वो कहाँ चले गए हैं चाइना के अंदर, तो ये एक बड़ा कंसर्न है मेरे लिए। दूसरा, मुझे जो आर्टिकल दो पढ़ने की पिछले दिनों मुझे मौका मिला है, एक तो आर्टिकल मैंने पढ़ा जो मोदी साहब के 10 साल, बड़ा अच्छा उन्होंने आर्टिकल लिखा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिजिटाइज किया गया है भारत को, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, बड़े नोट बंद किए, बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आया है। उन्होंने 1.4 बिलियन की आबादी और उनका $3500 पर कैपिटा इनकम होना, इसको बड़ा सराहा गया है। फिर उसके बाद आधार कार्ड, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर गए थे लेकिन उसको पुश किया है मोदी साहब ने, बायोमेट्रिक उसके जो किए गए उन्होंने उसका क्रेडिट दिया है। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है।
मेरे ख्याल में मोदी साहब को दो चीजों को टच नहीं करना चाहिए था, केजरीवाल को नहीं टच करना चाहिए, इलेक्शन के बाद कर लेते, हालांकि वो लीगल मैटर था, नौ नोटिस थे, वो खुद नहीं आए, उसको क्रिटिसाइज दुनिया कर रही है, शायद उसको साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है अथॉरिटेरियनिज्म के साथ। और फिर उसके बाद कांग्रेस के जो अकाउंट बंद किया गया है, ये भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको समझती है कि शायद दिस इज रॉन्ग। मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ ये दोनों चीजें, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस इतनी पिछले 10 साल की है, मैं समझता हूँ उनको ऐसी इससे इज्तनाब भी करते तो फिर भी उन्होंने बड़ी क्लियर मेजोरिटी ले ली थी, इसमें कोई शक नहीं, इस पे कहूंगा। गौतम अडवाणी फिर लोगों जो बातें जो खासकर करते हैं कि गौतम अडवाणी और अंबानी ग्रुप के बारे में, इसमें भी आर्टिकल में लिखा था और भी कई चीजें दूसरे मैंने अखबार के अंदर पढ़ी है कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी काम नहीं कर रही है भारत के अंदर, देहात जो है वहां पे गुर्बत काफी है, बहुत गुर्बत, ये ऐसी चीजें लिखी। फिर एक और आर्टिकल लिखा गया है इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, भारत और वियतनाम को कंपेयर किया गया है, जो चाइना से लोग निकल के, चाइना से जो बिजनेस निकल के जाता है उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वियतनाम। उसमें उन्होंने कहा है कि खासकर जो चीजें उस आर्टिकल में लिखी गई है, 29 स्टेट्स हैं, उनके लॉज जो है हर स्टेट के डिफरेंट है। एक तो ये उन्होंने डिफिकल्टी कही है कि वियतनाम के अंदर ऐसा मसला नहीं। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी जो उन्होंने जो सामने चीज लिखी उस आर्टिकल में कि रेट जो है लेबर का, जो लेबर वियतनाम की सस्ती है भारत की लेबर से। तीसरा मसला उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा है, इंपोर्ट का टैक्स ज्यादा है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वियतनाम के अंदर वो नहीं है। फिर उस जब मैं यही इस पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई मेरे सामने, आई वाज शॉक्ड। वियतनाम इज अ स्मॉल कंट्री लेकिन उसके 45 एयरपोर्ट्स हैं, 286 पोर्ट्स हैं जिसमें से 9 सी पोर्ट्स हैं, 16 लैंड पोर्ट्स हैं और 706 मिलियन टन कार्गो हर साल प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है वियतनाम, अमेजिंग। दूसरा सोशलिस्ट पार्टी है, एक पार्टी है, उनको वहां पे अपोजिशन नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, यूनियन है जो अगर आप उनके साथ सोशलिस्ट पार्टी के साथ आप फिट हैं तो आपको किसी चीज की परेशानी सोच नहीं। अब दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत पे बल्कि चर्चा की लोकसभा इलेक्शंस के बारे में और खासकर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो इस पूरी वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।